नमस्कार, आज हमारी टीम आई हुई है कल्याणपुर प्रखंड में। कल्याणपुर प्रखंड के एक पंचायत है गोपालपुर। गोपालपुर पंचायत में अभी हम लोग हैं। यहाँ पे एक वार्ड मेंबर, वार्ड सदस्य कैंडिडेट हैं, इनसे बात करते हैं। इनके बारे में इनका पहले परिचय जानते हैं। नमस्कार सर, आप पहले अपना परिचय बताइए। जी नमस्कार जी, हम दिनेश सहनी गोपालपुर पंचायत से वार्ड सदस्य 12 नंबर से हम खड़े हुए हैं और पिछले 5 वर्षीय वे मुखिया कैंडिडेट रह गए थे। दुर्भाग्य है जो हमको उस बार हासिल नहीं हो पाया, इसलिए जो हम इस बार जनता को सेवा भी वार्डे से कर रहे हैं। पिछले बार आप मुखिया का चुनाव लड़े, इस बार जो है वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? कुछ हालात ऐसा हो जाता है, इंसान को जो है कुछ हो जाता है हालात, इसलिए जो है अपना छोटा ही पोस्ट में इस बार सोचे कि हम वार्ड मेंबर में अब जनता को सेवा करें और सेवा देंगे ना हम, इतना हम लोग को माता एवं बहनों नौजवान साथियों से निवेदन करते हैं। जो क्रम संख्या 2 पर हमारा पीपल का पत्ता छाप है, उनको भारी भारी मोहम्मद से वोट दे करके हमें विजय बनावे और जनता को सेवा करेंगे। और जितने हमारे वार्ड में जो है घूमे हैं इस बार, तो लग रहा है जो हमारे जैसे मुसमाती है, वृद्धा पेंशन है, उनको लाभ नहीं मिल रहा है, उसका काम हम करेंगे पहला। और क्या इंदिरा आवास है, बहुत आदमी को नहीं मिला है, उस पर कोई ध्यान नहीं 5 वर्षीय में दिया गया है, उस पर हम विशेष ध्यान देंगे और जितना सेवा सेवा हुआ हम देने का काम करेंगे। अभी जो 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है आपके वार्ड में, कितने नंबर वार्ड से आपने बताया? 12 नंबर। 12 नंबर वार्ड में जो अभी 5 साल खत्म हुआ है, उसमें नल जल का स्थिति और आपका जो है सो आवासीय योजना का स्थिति, ये दिक्कत था। आवासीय योजना जैसे जिसको मिलना था उसको नहीं मिला है, जिसको खैर जो मिला उसको तो ठीक है, लेकिन गलत रूप प्रयोग किया गया है इंदिरा आवास में। अब इसीलिए कह रहे हैं जनता को नल जल का योजना का क्या? नल जल का योजना यही बहुत अधूरा है, अभी पूरा नहीं हो पाया है। हम कोशिश करेंगे जो भी योजना बचल है हम पूरा करने का काम करेंगे। और अच्छा, ये सड़क नली गली योजना जो सरकार की थी, उसका क्या हालात है आपके पंचायत? वो हमारे अभी वार्ड में भी चालू नहीं हुआ है। क्यों? इसलिए आप जो घोषणा करेंगे सरकार तब आगे किया जाए। पिछले 7 निश्चय योजना में जो है नीतीश सरकार की ये योजना थी, हर घर पक्की नली गली योजना, इसमें पूरा नहीं हुआ काम क्या? कहीं नहीं, एक भी काम नहीं हुआ है, पक्की काम नाला नाली का काम जो है एक भी नहीं हुआ है। आप अगर आते हैं तो आप क्या करेंगे अपने वार्ड में विकास का काम? विकास के काम करेंगे हम, नाली बनवाएंगे और पक्की सड़क बनवाएंगे, जो ही हो रोड का काम करेंगे और वृद्धा पेंशन उनको पहले काम करेंगे और मुसमाती है उसको काम करेंगे। जैसे राशन कार्ड है, जो दो दो बाल बच्चे हो गए उसको ना अभी राशन कार्ड नहीं है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा, 5 साल में, क्योंकि आप समाज सेवा से ही जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो 5 साल में बहुत ऐसा होगा क्योंकि ऑनलाइन अब फॉर्मेट आ गया है, सबको ऑनलाइन अप्लाई करना, तो क्या आप अपने समाज में, अपने वार्ड में जो है अवेयर नहीं किए, लोगों को जागरूक नहीं किए कि इस तरह से आप अपना वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से जो है तो आप अपना आवासीय योजना भी आप देख सकते हैं, आम सभा वार्ड सभा का आयोजन आपके आपके वार्ड में होता था या नहीं होता था, ये सब के लिए जागरूकता करते थे कि नहीं? आप नहीं, अभी 5 वर्षीय में कोई भी वार्ड सभा नहीं हुआ है, ना किसी को अभी तक कोई लाभ मिला है। आप इसके लिए अपने वार्ड में लोगों को जागरूक कर रहे थे कि नहीं? जागरूक करेंगे, जो कैंडिडेट थे उनको काम था करना और हमको आ रहे हैं इस सप्ताह में, तो हम वार्ड सभा करके और जितना से जितना हमको फायदा देंगे हम पब्लिक को देंगे। जी आप एक बार और अपना परिचय बता दीजिए। दिनेश सहनी गोपालपुर पंचायत 12 नंबर वार्ड सदस्य के लिए खड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।